अच्छा, इससे मेरे को एक चीज़ याद आई, जब मैं बाहर गया था, मतलब मैं जैसे पेरिस वेरिस घूमने गया था, तो मैं क्या करता था, ऐसे अपने इंडिया में तो है नहीं बहुत कल्चर, तो मैं वहाँ पे ऐसे कॉमिक बुक स्टोर्स और पॉप कल्चर के स्टोर्स होते थे, वो सर्च करता था गूगल पे कहाँ है, और वैसे एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता था। तो उसी बहाने आप बहुत सारी सिटी भी एक्सप्लोर कर ले। तो जैसे कई बार गूगल मैं मतलब एक गया, एक स्टोर में घुसा तो मतलब मैं पागल हो गया, इतना भयानक स्टोर था वो। मैंने अपने इस पे मतलब स्टोरी वोरी भी जबरदस्त डाली था, थी, बढ़िया था और ये ऐसे। बहुत फाड़, मतलब ऐसी कोई कॉमिक बुक नहीं होगी और ऐसा कोई एक्शन फिगर नहीं होगा जो उस पे नहीं था। और अरे भाई, एक एक लैंग्वेज नहीं, कई लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, और भाई मैं देख के हैरान। और मतलब उस पे ना गोकू के एक्शन फिगर्स, और इतने मतलब इतने से लेकर के, और लाइफ साइज एक्शन फिगर्स। तो ये सब चीज़ मैंने देखी। फिर उसके बाद मेरे को ये पता लगा कि एनिमे को लेकर डेडिकेटेड स्टोर्स हैं। अरे उसमें बाहर मतलब तो एक 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 पूरा स्टोर मैंने देखा था, वो सिर्फ एनिमे की तलवारों पे बना हुआ था। तो पूरी पूरी शॉप में सिर्फ सोर्ड्स थी, सिर्फ तलवारें वेपन्स। जो एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं उनकी, तो हाँ बसर की तलवार से लेकर के, और वो जो नारुतो में शार्क वाला होता है ना, हाँ उसकी हाँ तक तल मतलब एवरी सिंगल सोर्ड दैट यू कैन इमेजिन इज देयर। सामे आड़ा, वाह। सामे आड़ा। और मतलब लोग लोग लिटरली वो खरीद रहे थे यार। लोग पागल हाँ, थे, कलेक्ट करते हैं, लोग कलेक्ट लोग कर कर रहे रहे हैं। हैं। मेरे ख्याल से मैंने बिग बैंग थ्योरी के एक एपिसोड में देखा था कि हाँ वो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो स्वॉर्ड नहीं हाँ होता जॉन स्नो का, वो स्वॉर्ड लेकर जॉन आता है स्नो, अपने घर में। तो लोग कलेक्ट करते हैं वो सब चीजें हाँ। यार। कॉमिक बुक स्टोर इंडिया में, भाई दिल्ली में तो नहीं है, बाकी तुम लोग तुम्हारे दिल्ली में नजर नहीं आए। है क्या बात कर रहे भाई, हो। मैं सबसे बड़े दुकान में गया था, सबसे बड़े जैसे कहते हैं ना बुक शॉप में गया था भाई। वुल्वरीन के कॉमिक पे लिखा था डीसी, ठीक है, व्हाट तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ व्हाट। कहाँ जी रहे अपन भाई। नहीं है, नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं इसका है। इसका बेसिकली रीज़न मुझे पता है क्यों। क्योंकि जो इंडिया में मार्वल कॉमिक्स को भी डीसी वाले मार्केट करते हैं, दिस इज़ द रीज़न। तो अच्छा, ये चीज़ लेकिन काफ़ी पहले तक होती थी, अब शायद नहीं होती ये चीज़, तो उनके पास और पुराने पड़े होंगे। हाँ कॉमिक कॉमिक भी गिने चुने कॉमिक है, मतलब वही है, तुम्हारी किस्मत है, तुम दिख गई तुम्हें, नहीं तो फिर वो भी नहीं दिखेगी। बताओ हाँ यार। तो अभी बढ़िया कि अमेजोन से तुम मंगाओ आराम से, बढ़िया से जो तुम्हें कॉमिक पसंद है, थोड़ा वेट करना पड़ता है पर मिल जाती है। और ऊपर से अब डिजिटली इतना हो गया है कि भाई ज्यादातर तो चीज़ें तुम कितना वेट कर लोगे, तुम ऑनलाइन ही पढ़ चुके होगे कब का। हाँ पर होता है कि अब अगर तुम हार्ड कलेक्टर कॉपी वलेक्टर हो तो खरीदना ना रखो। बहुत हाँ रेयर हो गया है, हार्ड कॉपी तो